हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। साथ में आपको कुछ क्रीक भी दिख रहा है जिसमें बोटिंग होती हुई भी आपको दिखेगी। ऊपर एक पुल है, कितना सुंदर सा नज़ारा दिख रहा होगा आपको। और एक से बढ़कर एक खूबसूरत बिल्डिंग्स दिखेंगी। तो इस वक्त आप दुबई के मरीना में घूम रहे हैं, जो कि वन ऑफ दी बेस्ट एरियाज में से एक है। यह एक रेजिडेंशियल एरिया भी है और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर लोग बोटिंग भी करते हैं, छोटी बोट्स, बड़ी बोट्स सब अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं इसके आसपास जो बिल्डिंग्स हैं वो कुछ तो रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और कुछ ऊपर बड़े बड़े होटल्स हैं। आप ये सामने रेस्टोरेंट्स देख सकते हैं। ये एक साइड में छोटा सा बच्चों के लिए प्ले एरिया था, जब पेरेंट्स बैठ के खा रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं। और सामने आप एक बोट देख सकते हैं जिसमें टूरिस्ट या रेजिडेंट्स भी जो यहाँ घूमने आए हैं एंजॉय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ साइकिलिंग कर रहे हैं। पहले आपने साइकिल पे जाते हुए देखा होगा। यहाँ पे मरीना मॉल भी है, एक बहुत ही बड़ा मॉल है, बहुत ही सुंदर मॉल है। किसी दिन मॉल भी जाएंगे और मॉल का भी आपको विजिट कराएंगे। ये देखें आप किस तरीके से लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ हम आधा घंटा, एक घंटा या दो घंटा नहीं कह सकते हैं, शाम से रात तक भी समय बिता सकते हैं। खाने पीने की इतनी जगह है, इतने अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ आते हैं और इतने सुंदर सुंदर होटल्स, बिल्डिंग्स, बहुत कुछ सोचते हैं हम लोग, बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ महसूस करते हैं। और इस वक्त में हम बहुत सारे सपने भी बुनते हैं और फिर कोशिश करते हैं उन सपनों को अचीव करने की। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जगह हमें एक मोटिवेशन का भी काम करती है टू डू गुड इन अवर लाइफ। और हाँ, एक तरीके से हम जब लोगों को हंसते खेलते देखते हैं, खुश देखते हैं, खाते पीते देखते हैं, तो एक जो वाइब आती है, एक जो खुशी का माहौल बनता है, यस एवरीथिंग इज फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग इज गुड, एवरीवन इज हैप्पी, तो एक हैप्पी वाली जो फीलिंग आती है वो भी बहुत कीमती होती है। तो अक्सर हमें ऐसी जगहों पर भी जाना चाहिए और लोगों से मिलके ही मोटिवेट हम होते हैं। और हम क्या है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम जो है
लोगों से मिलके ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, तो हमें ऐसी जगहों पर भी जाना चाहिए जहाँ हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, हम चाहे उनसे हमारी बात हो चाहे ना हो, लेकिन स्टिल वी कैन सी हैप्पी फेसेस, यू नो, एंड वी कैन ऑल्सो बी हैप्पी सीइंग देम हैप्पी। हो सकता है कि आप कहेंगे ज़्यादा लोग यहाँ अभी नहीं दिख रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँ कि ये थोड़ा लेट नाइट वीडियो है, लाइक इट्स नियर अबाउट 10-11, तो इस वक्त तक लोग थक के अपने घर की तरफ चले जाते हैं, बहुत कम लोग रह जाते हैं जिनमें से एक मैं होती हूँ। तो ये 11 बजे तक की वीडियो है, 11 हो सकता है 11:15, आई डोंट नो क्या टाइम है, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले शूट किया था। आजकल तो आई एम नॉट फाइन, एज यू कैन सी इन दिस रिकॉर्डिंग मेरा थ्रोट भी थोड़ा अलग साउंड कर रहा है, तो ये थोड़ा लेट की वीडियो है इसलिए थोड़े कम लोग हैं। अदरवाइज किसी दिन जब मैं ठीक हो जाऊंगी दोबारा जाऊंगी और आपको दिन की वीडियो बना के दिखाऊंगी यहाँ पर। इट इज सच अ हैपनिंग प्लेस फ्रेंड्स। शाम को यहाँ पर बैठना, खाना पीना, एक्सरसाइज करना बहुत रौनक होती है। इस वक्त थोड़ा लेट हो चुका है तो लोगों के जाने का भी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई बैठे रहे तो काफ़ी दिल लगता है। वीकेंड्स पर तो यहाँ बहुत ही भीड़ होती है। आउटसाइडर्स जो यहाँ के नेशनल नहीं हैं वो भी यहाँ पर अगर चाहें तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा एरिया है रहने के लिए और शाम को घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से आप यॉट जो है हायर कर सकते हैं, उनके लिए टिकट ले सकते हैं, यहाँ से आप जो है बैठते हैं, यहीं पर आपको उनके चार्जेस भी पता लग जाएंगे। अगर अभी आप थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे तो आपको सभी यॉट्स के चार्जेस भी पता लग जाएंगे। ये देखें,
तो हर बोट के जो चार्जेस हैं वो इधर हैं, और अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो वो इन्फॉर्मेशन भी इधर दी हुई है। यॉट टूर्स 210 एडी से आगे बढ़ते हुए सब आपको चार्जेस दिख जाएंगे। यहाँ पर साइटसीइंग टूर्स 160 ऑनवर्ड्स हैं, एईडी दिरहम्स। यहाँ पर आपको हर कंट्री के अलग अलग तरीके के खानों के रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जैसे पीछे मैंने देखा इंडियन, चाइनीज, इटालियन और अफगान, पाकिस्तानी, सब खानों के रेस्टोरेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ नियर अबाउट रात के 11 बजे हुए हैं और अब भी आप देख सकते हैं रौनक है। यहाँ देखें इस रेस्टोरेंट में थीम कितना अच्छा है, ये कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। एक से एक सुंदर बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। जब भी कोई लोग जैसे आते हैं और उनको अगर बहुत अच्छे साइट सीइंग रेस्टोरेंट्स चाहिए और अगर ऐसे होटल्स चाहिए जिधर वो रहकर अच्छे अच्छे साइट देख सकें, और अगर उनको यहाँ से निकलते ही आपको मेट्रो मिलती है, ट्राम्स मिलते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आके ठहरने में बहुत अच्छा है टूरिस्ट्स के लिए भी। इधर जो होटल्स हैं उनमें ठहरने के लिए बहुत अच्छा है। इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द सिटी, दुबई मरीना। सो खा पी के अब लोग ज़्यादातर वापस जा भी चुके हैं, और जो हैं अभी भी वो जा रहे हैं वापस। ये देखें एंट्रेंस पे अलग अलग जगह बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स भी हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। जो भी यहाँ आएंगे 1000% इंजॉय ही करके जाएंगे और उनका दिल करेगा कि वो दोबारा आएं।
बहुत लोगों का दिल करेगा कि उनका घर ही यहीं किसी एक बिल्डिंग में होता। देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। जैसे सभी का दिल चाहता है कि उनका घर यहाँ होता, इसी तरीके से मेरा भी दिल चाहता है कि काश मेरा भी घर यहीं होता और मैं भी यहीं इंजॉय करती, हर शाम निकलती, इंजॉय करती, घूमती फिरती। ये एक पेट फ्री जोन है, यहाँ पर आप पेट नहीं लेके आ सकते, यहाँ पेट्स अलाउड नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज टेक योर केयर। थैंक्स, बाय बाय।